हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसके बारे में हर स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जरूर सुना होगा, लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होती रही है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं, जिसका मतलब होता है देश के सभी धर्मों को मानने वालों के लिए एक जैसा कानून। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, और अगर इसे लागू कर दिया जाता है तो इससे देश के नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें, उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े कुछ प्रश्नों को नोट कर लेते हैं, फिर एक एक कर उस पर विस्तार से बात करेंगे। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संविधान क्या कहता है, पहली बार कब हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र, समान नागरिक संहिता की स्थिति अभी क्या है, किस राज्य में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी लागू होने पर क्या बदल जाएगा। दोस्तों, दरअसल ये वो सवाल है जो आज के समय में हर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, क्योंकि अगर ये कानून बन गया तो जाहिर सी बात है कि इससे जुड़े प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई सवाल उठता है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता या फिर कानून कहते हैं, जैसा कि आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि ये सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात करता है। दोस्तों, समान नागरिक संहिता का मतलब होता है देश में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसा कानून, फिर चाहे वो हिंदू हों या फिर मुसलमान, सिख हों या फिर ईसाई, बौद्ध हों या फिर जैन, मतलब कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाले हों, इस कानून के बन जाने के बाद सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। मतलब पिता की संपत्ति के बंटवारे को लेकर जो नियम हिंदू धर्म के लोगों के होगा, वही नियम मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी होगा। हालांकि इसमें एक दायरा भी तय किया गया है, जिसके तहत कुछ ही मामलों में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसे नियम होंगे, जैसे शादी, तलाक, उत्तराधिकारी या गोद लेने। यानी कि अगर ये कानून लागू हो जाता है, शादी हो या फिर तलाक, चाहे पिता की संपत्ति के बंटवारे की बात हो या फिर गोद लेने से जुड़ा विषय हो, इन मुद्दों पर सभी धर्मों के लिए एक जैसे नियम होंगे। दरअसल हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान आपराधिक संहिता तो लागू है, यानी कि अगर कोई अपराध करता है तो फिर चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबके लिए एक समान सजा का प्रावधान है। लेकिन समान नागरिक संहिता के मामले में अभी भी कुछ धर्मों के लिए अलग अलग है, इसलिए समान नागरिक संहिता की बात कही जा रही है, ताकि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसे कानून हो। इसके बाद जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संविधान क्या कहता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि संविधान में समान नागरिक संहिता का जिक्र नहीं है, लेकिन कभी भी इसे लागू नहीं किया जा सका। संविधान में समान नागरिक संहिता की सिर्फ अवधारणा है, जिसे अब लागू करने की बात हो रही है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद में ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता को लागू करना सरकार का दायित्व है, लेकिन इसे कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। जैसे अपराध से जुड़े मामलों को लेकर तो समान आपराधिक संहिता लागू कर दिया गया, जिसके तहत अगर कोई अपराध करता है तो उसे ये देखकर सजा नहीं दी जाएगी कि वो किस धर्म से ताल्लुक रखता है, बल्कि सभी को एक जैसा ही सजा का प्रावधान है। लेकिन जहां तक समान नागरिक संहिता की बात है तो कभी भी इसे लागू किया नहीं गया। आगे के टॉपिक में हम समझेंगे कि समान नागरिक संहिता को लेकर अलग अलग धर्मों के लिए क्या नियम है। इसके बाद जानते हैं पहली बार कब हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि समान नागरिक कानून का जिक्र हमारे देश में पहली बार हुआ है, बल्कि इससे पहले भी इस कानून पर न सिर्फ चर्चा हुई है बल्कि इसे लागू भी किया गया था। लेकिन फर्क बस इतना है कि जो नागरिक संहिता लागू किया गया था उसमें सभी धर्मों के धार्मिक मामलों को अलग रखा गया था। दरअसल साल 1835 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में शासन कर रही थी, उस वक्त समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया था। इसको लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाकायदा एक रिपोर्ट भी बनाई थी, जिसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेकों जैसे मुद्दे पर एक जैसा कानून लागू करने की ज़रूरत है। जबकि इस रिपोर्ट में हिंदू हो या फिर मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं कही गई थी। हालांकि बाद में आज़ादी से पहले साल 1941 में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बी.एन. राव समिति का गठन किया गया था।
इसी रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर आज़ादी के बाद साल 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया गया था, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्म से जुड़े लोगों के उत्तराधिकार के मामले के निपटारे को शामिल किया गया था। लेकिन इस विधेयक में मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों को बाहर रखा गया था और तभी से मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े लोगों के लिए धर्म से जुड़े मामले अलग रखे गए थे। इसके बाद जानते हैं समान नागरिक संहिता की स्थिति अभी क्या है। दोस्तों, अगर हम समान नागरिक संहिता के अभी की स्थिति पर नज़र डालें तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू है, लेकिन धार्मिक मामलों को इस कानून से अलग रखा गया, यानी कि सभी धर्मों के लोगों के लिए धर्म से जुड़े कानून अलग अलग हैं। हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म मानने, उसका प्रचार प्रसार करने और अपने धर्म के हिसाब से जीने की पूरी आज़ादी देता है और इस बात का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 25 में भी है। इसके बाद जानते हैं किस राज्य में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, भले ही हमारे देश में समान नागरिक कानून लागू करने की अभी बहस चल रही हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में ही एक ऐसा राज्य है जहां पे ये कानून पहले से ही लागू है। दोस्तों, वो राज्य है गोवा। दरअसल आपको पता होगा कि गोवा देश की आज़ादी के काफ़ी साल बाद भारत में मिला था, जब इसे पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी, इसलिए इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। दरअसल गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार मिला हुआ है और ये वहाँ लागू भी है। इसके तहत गोवा में सभी जाति, धर्म और संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और बच्चे की कस्टडी से जुड़ा कानून एक जैसा ही है। यानी कि जो कानून पूरे देश में लागू करने की अभी चर्चा चल रही है, वो कानून गोवा में वर्षों से लागू है। हालांकि यहाँ भी थोड़ा सा अंतर जरूर दिखाई देता है। दरअसल वैसे तो यहाँ नागरिक संहिता के तहत सभी के लिए एक जैसे कानून है, लेकिन शादी के मामले में दरअसल यहाँ नियम अलग है। दरअसल गोवा में मुस्लिमों को 4 शादी करने की अनुमति है, जबकि हिंदुओं को 2 शादी करने की इजाज़त है। इसके बाद जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर क्या बदल जाएगा। दोस्तों, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बन जाता है और पूरे देश में लागू हो जाता है, तो फिर सभी धर्मों के लोगों के लिए देश भर में एक जैसा कानून लागू हो जाएगा। मतलब हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई और पारसी सहित तमाम धर्मों से जुड़े वर्तमान कानून रद्द हो जाएंगे और समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। और अगर ये लागू हो जाता है तो शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे, बच्चे की कस्टडी या फिर बच्चे को गोद लेने को लेकर जो नियम है, वो सभी धर्मों के लोगों के लिए एक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।